हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल, जिसको आप किसी भी आउटफिट के साथ वेयर कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो मैंने अपने फेस का CTMP क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्राइमर पहले से ही करके बैठी हूँ। देन उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ कलर करेक्टर, जो कि मैंने कुडूस की कंसीलर पैलेट से पिक किया है। आई नो आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा, बट मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। ये कुछ क्रायलोन की पैलेट जैसी आती है एंड इन दिनों मैं काफी यूज कर रही हूँ इस पैलेट को, मुझे ये बहुत ही सही लग रही है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऑलराइट, सो अपने पूरे फेस को एकदम मंकी वाला लुक दे दिया है। इसको सिर्फ इतना ही ब्लेंड कर रही हूँ मैं कि बस ये दिखे कि हाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है, इसलिए करेक्शन बहुत जरूरी है। सो अभी मैं इन दोनों लाइट शेड्स को मिक्स करने के बाद इससे अपना बेस क्रिएट करूंगी, और सिर्फ कंसीलर से ही हम लोग पूरा बेस बनाएंगे। मैं कोई फाउंडेशन यूज नहीं करने वाली हूँ इस ट्यूटोरियल में। अगर आप ब्रश से अपना फाउंडेशन या कंसीलर की एप्लीकेशन करते हैं तो काफी अच्छी कवरेज आपको मिल जाती है। एंड एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप जब भी फाउंडेशन या कंसीलर की एप्लीकेशन करें तो 1x1 आपको करनी है। जिस भी पर्टिकुलर एरिया पे आप कंसीलिंग या फाउंडेशन लगा रहे हैं तो आपको इसी तरीके से अप्लाई करना है, आगे से पीछे की तरफ ले जाना है, पीछे से आगे की तरफ लेकर आना है। देन उसको बहुत ही हल्के हाथों से अपन ब्लेंड कर देंगे ब्यूटी ब्लेंडर से, और आपका ब्यूटी ब्लेंडर डैम होना चाहिए। काफी सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा है नोज के एरिया से आप लोग ब्लेंडिंग नहीं करते हो, तो प्लीज नोज और जो भी हिडन एरियाज होते हैं लाइक अपने नीचे क्रीज एरिया, इन सब पे अच्छे से हमको ब्लेंडिंग करनी होती है, अदरवाइज क्रीज रह जाते हैं तो फिर वो पैची नजर आता है, अच्छा नहीं लगता है। हाईलाइटिंग के लिए मैं अगेन कंसीलर यूज कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क का। आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाईलाइटिंग के लिए मैंने छोटा फ्लैट ब्रश यूज किया है। मैंने जो बेस क्रिएट किया है वो हल्का सा मुझे ना ग्रे सा नजर आ रहा था, हल्का सा, दैट्स व्हाई कि मैं उसको जो हाइलाइटिंग कर रही हूँ तो प्रॉपर कर रही हूँ, और इसी वजह से कि मैं कंटूर को इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ग्रे लग रहा है तो वो कंटूरिंग का काम मेरा हो जाएगा, और जो हाइलाइटिंग कर रही हूँ उससे मेरा जो भी हाइलाइटेड एरिया है वो हाइलाइट हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी मेरा पूरा बेस एकदम फ्लॉलेस हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, एकदम इवन लग रहा है हर जगह से। आप चिकबोन के नीचे से देखेंगे बिल्कुल एक नेचुरल सी लाइन नजर आ रही है, बिल्कुल लग रहा है कंटूर किया हुआ है। ओके, तो आज मैं आप लोगों को हाउ टू अप्लाई लूज पाउडर की ट्रिक बताती हूँ। आप जब भी अपने क्रीज लाइन पर यहाँ पे इस एरिया पे जब भी आप लूज पाउडर लगाओ, उससे पहले आप मेक श्योर कर लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी क्रीज ना पड़ी हो। अगर है तो आप उसको पहले अपने ब्यूटी ब्लेंडर से हल्के हल्के हाथ से उसको डैब करो, जितनी भी क्रीज है उनको सबको गायब करो, एंड उसके बाद अपना लूज पाउडर इमीजिएटली उठाओ और लेके उसको अप्लाई करो। अब मुझे थोड़ी देर हो गई है ना, मतलब 2 सेकंड का भी वेट नहीं करना आपको, इमीडिएटली इस तरीके से उठाया, डैब किया एंड इमीडिएटली लूज पाउडर उठाया एंड अप्लाई किया लाइक दिस। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्रीज नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से एप्लीकेशन करते हैं तो अंडर आईज पे लूज पाउडर। तो सेम ट्रिक हमको पूरे ऑल ओवर फेस पे भी अप्लाई करनी है, ताकि हमारा पूरा जो बेस है वो मैटिफाई में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अभी तक हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे वो सारे क्रीम बेस्ड थे। सो ऑब्वियसली हम उसको लॉक करेंगे पाउडर से। तो यहाँ मैं बहुत ही बेसिक सा लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, जो कि है मिस क्लियर का, 250-300 के अप्रोक्स वो आपको रिसीव हो जाता है। बट इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती, बिकॉज ये मैंने लोकल शॉप से ही खरीदा था। ऑलराइट, तो जितना भी पाउडर का एक्सेस था उसको मैं पाउडर ब्रश से डस्ट आउट कर रही हूँ। एंड मेक श्योर आप जो भी ब्रश आप ब्लेंड कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, बहुत ही हल्के हल्के हाथ से आपको उसको चलाना है। आपका हैंड मूवमेंट को मतलब नॉलेज होना चाहिए कि आपको कहाँ पे प्रेशर लगाना है और कहाँ पे आपको हल्के हल्के हाथ से स्प्रेड करना है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं अपने ब्रॉन्जर पे। ब्रॉन्जर के लिए मैंने एक पफी सा ब्रश यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा मोटा ब्रश है ये, हल्का सा, एंड ये ट्रायंगल ब्रश है, मैं आपको दिखाना भूल गई, ट्रायंगल ब्रश है ये, इससे मैं अपना ब्रॉन्जर कर रही हूँ अपने ऑल ओवर जो भी अपने हाइट एरियाज होते हैं, चिक बोन, जॉ लाइन, फॉरहेड पे हल्का सा किया, क्योंकि मेरा फॉरहेड ऑलरेडी
बहुत छोटा सा है एंड अपने नोज पे। वैसे तो नोज के लिए छोटा ब्रश यूज करना चाहिए बट मुझे हैबिट है, दैट्स वाई कि मैंने इसी को ही थोड़ा सा फ्लैट करके और इसी से अपना कंटूर कर लिया अपने नोज का। तो अभी मैं ब्लशर की जगह सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइटर यूज कर रही हूँ। ये कलरफुल हाईलाइटर है और ये मेरा बहुत ही फेवरेट हाईलाइटर है, मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। एंड ना इससे मतलब दोनों काम हो जाते हैं, हाईलाइटिंग भी हो जाती है एंड इसी से हमारा ब्लशर भी हो जाता है। तो ये मुझे काफ़ी नेचुरल सा लगता है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मतलब बहुत तारीफ कर दी तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा है ये। एंड मैंने इसका लास्ट में आपको एकदम फाइनल से एकदम रिजल्ट भी दिखाने वाली हूँ कि मतलब कितना प्यारा सा एकदम पॉपअप होके आता है, मतलब लगता भी नहीं कि आपने कुछ भी लगाया हुआ है, मतलब मुझे तो बहुत ही नेचुरल से लगता है। अगर आप डे मेकअप कर रहे हो तो इसको आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत पैची पैची सा लग रहा है, अलग ही चमक रहा है चेहरा, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है, यू कैन सी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अपनी ब्रोज को मैं फिल कर रही हूँ। मैं ज़्यादा फिलिंग नहीं करती हूँ आईब्रोज पे बिकॉज ऑलरेडी मेरी आईब्रोज काफ़ी ठीक है, सो दैट्स वाई कि मैं इस पर ज़्यादा कॉम्ब करती हूँ। जो भी अपना प्रोडक्ट लग गया है, कंसीलर, फाउंडेशन, पाउडर, उन सबको मैं डस्ट आउट करती हूँ आईब्रो कॉम्ब ब्रश से। एंड समटाइम नीड होती है तो मैं उसमें कलर भी डिपॉजिट करती हूँ जो कि ब्राउन कलर है। एंड सी कितनी नेचुरल ब्रोज लग रही है। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्मोकी आई लुक। उसके लिए मैं सबसे पहले क्रीज लाइन पे ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन शेड से क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ। एंड ब्राउन के साथ में हल्का सा मैंने मरून, हल्का सा मरूनिश शेड भी मैंने उसमें मिक्स कर लिया था और उससे क्रीज लाइन क्रिएट की है। और साथ ही साथ मुझे लगा कि मुझे अपना लिपस्टिक भी एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए, तो सिर्फ आई मेकअप ही रह जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले ही बीच में लिपस्टिक अप्लाई करने लग गई हूँ। एंड सी कितनी प्यारी लिपस्टिक लग रही, कलर कितना प्यारा लग रहा है इसका, अमेजिंग। सो अभी मैंने यहाँ पे अपना क्रीज लाइन क्रिएट कर लिया है एंड अपनी हाइलाइटिंग मुझे करनी है, ब्रो बोन हाईलाइट करनी है एंड अपना जो आई बोल है उसको मुझे कवर करना है। ओके, सो आज हम लोग स्मोकी आई लुक क्रिएट करने वाले हैं, दैट्स वाई कि मैंने अपने आई लिड हाफ मतलब बहुत कम जगह पर, जितना अपन लाइनर लगाते हैं ना बस उतने से एरिया पे मैंने ब्लैक कलर का काजल अप्लाई किया है एंड फ्लैट पफी ब्रश में डार्क मरून शेड को मैंने उसमें पिक किया है और उसको मैं वहां से मर्ज करूंगी ताकि एक स्मोक निकल के आए, नीचे से डार्क एंड ऊपर जाते जाते वो थोड़ा लाइट हो जाए। एंड सी ये जो लाइन अभी आई है कितनी प्यारी लग रही है, मतलब मुझे तो लग रहा था मैं यहीं पे मेकअप रोक दूं बट मुझे आज स्मोकी करना था, दैट्स वाई कि मैं इसको ऊपर लेकर जाना ही है। पूरे काजल को फ्लैट पफी ब्रश से ब्लेंड करने के बाद अपना एक दूसरा पफी ब्रश लिया है मैंने जो कि राउंड ब्रश है और उससे जो भी एक्सेस था उसको क्लीन आउट किया है एंड एक मर्ज लुक दे दिया ताकि इवनली नजर आए पूरा आई मेकअप। अब बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है, वो जब भी नीचे कोई भी क्रिएट करते हैं, कोई भी कलर डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो अच्छे से पॉपअप होके नहीं आता है, तो ये एक नई ट्रिक है। आप वाइट बेस नीचे की तरफ अप्लाई करें एंड उसके ऊपर अगर आप जो भी कलर जो भी आपको डालना है वो आप पिक करके अपनी ब्रश से उसको लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे से पॉपअप होके आता है। अगर आप इसको और भी ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड दिखाना चाहते हैं तो सेम कलर का आपको काजल नीचे अप्लाई करना है, देन उसके ऊपर आप जो भी शेडो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे तो और भी ज़्यादा पॉपअप होके नजर आएगा कलर। सो गाइज दिस इज द माई फाइनल लुक, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड बहुत सारा शेयर। बाय बाय।